और किस मांग को लेके जो है आप लोग यहाँ ज्ञापन देने हैं? सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग का जो पार्टी का जो स्लोगन है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज तक देश की आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आई पूर्ण रूप से यहाँ से तो जनता की नुमाइंदगी करने के लिए सदन में जाते हैं, लेकिन जाने के बाद से सरकार अप्रत्यक्ष रूप से जनता की नीति लागू करने की बात तो करती है, लेकिन सदन में जाने के बाद ठीक इसके विपरीत कैबिनेट और मंत्री और सांसद और प्रदेश की सरकारें और देश की सरकारें ठीक गरीबों के, किसानों के, मजलूमों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के अपोजिट काम को करती है। और यहाँ पर हम बड़े बड़े वादे करते हैं और जीत करके जाते हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इतना भ्रष्टाचार में जो डूबी हुई है यहाँ से कोई इंसाफ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंतर्गत आज तो 3 दल आ रहा है, आने वाले दिनों में 10 दल के लोग आएंगे और अपनी मांग को बताएंगे। और कितनी अच्छी बात है कि गरीब किसानों के यहाँ मिट्टी का तेल जाता था, जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने कहा, आज जो मिट्टी का दल, मैं आपको मीडिया के माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि मिट्टी का तेल कहाँ चला गया जो आज गरीबों को नहीं मिल रहा है। और एक सुनियोजित तरीके से जो बिजली का बिल जो है दिन दुना रात चौगुना वृद्धि जो हो रही है, आज 6 यूनिट और 7 यूनिट हो गई है। और एक नया नियम जो आ गया है कि अब हाईवे पर और शहरों में जो घर है उसका टैक्स भी आ रहा है। आज एक मित्र का टैक्स आया है, 1 साल का टैक्स आया 4,145 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कहीं से भी गरीबों को, किसानों को, मजलूमों को, दलितों को, बेजुबानों को हर तरीके से शोषण किया जा रहा है और जुर्म करने वाले लोगों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, ज़बरदस्ती उनको जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंतर्गत पूरे मंडल से लेकर पूरे प्रदेश में हम लोग, हमारा हर विधानसभा में, हर जिले मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चलेगा और अपनी मांगे हमारी हम शासन प्रशासन को लोकतांत्रिक तरीके से मनवाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारा देश स्तर पर भी हमारा कार्यक्रम सुनिश्चित तरीके से चलेगा। जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वही भागीदारी संकल्प मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके दल में आने वाले दिनों में हम 9 लोग हैं, 9 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। और जय जय भीम, नमो बुधाय, और हमारी मांगे पूरी हो और चाहे जो मजबूरी हो।